ग्वालियर ट्रेन में सवार बीमार कुलपति की मदद कर मुसीबत में फंसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें डकैती के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। दरअसल दिल्ली से 10 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के कुलपति को स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हाई कोर्ट के जज की कार के ड्राइवर से गाड़ी छीनकर हॉस्पिटल भेजा था। उस पर आरोप था कि उन्होंने बीमार व्यक्ति की मदद के नाम पर जबरन हाईकोर्ट के जज की गाड़ी छीन ली है। इसके बाद उनके विरुद्ध में जज के ड्राइवर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में एबीवीपी के छात्रों ने रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद दोनों पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उनकी तरफ से इस केस की पैरवी हाईकोर्ट के वकील बीपीएस चौहान ने की। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महानगर मंत्री हिमांशु के पिता ने भी राहत की सांस ली। हुआ ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली से एक लीगल सेमिनार में भाग लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। एक व्यक्ति का रेल में स्वास्थ्य खराब हुआ। परिषद के छात्राओं ने उसको हर संभव सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। मुरैना में चिकित्सक ने बताया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पोर्च में आपको एक एम्बुलेंस मिलेगी। छात्र ग्वालियर में ट्रेन रुकते ही उस व्यक्ति को लेकर पोर्च में आए हैं। वहाँ एक सरकारी गाड़ी उनको मिली और उसे लेकर वो हॉस्पिटल ले गए हैं। ये एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये न्याय और मानवता की जीत है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने जो सामर्थ्य दिखाकर सेवा भाव किया था और जिस मानव धर्म को देखते हुए जिस उद्देश्य के लिए उस वाहन का उपयोग किया था और एक जान बचाने के लिए जो काम किया था, आज पर यह न्यायपालिका ने ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यकर्ता को रिहा किया है। साथ ही दोनों आज जो मानवता शर्मसार हो रही थी, आज मानवता की जीत हुई है और न्यायालय ने इस बात को सुना। और मैं सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक छात्र जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों को बंद किया और उन्होंने एड़ी चोट लगा दी, और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात को समझा।